आज सुबह जिला अस्पताल में लामबंद होकर नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला चिकित्सालय में कल रात 2 नर्सिंग स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आज सुबह जिला स्टाफ ने लामबंद होकर सभी नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर दिया। वहीं CMHO व सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुरैना जिला चिकित्सालय कल शाम का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, जिसमें सभी निगेटिव रिपोर्ट आई, लेकिन रात 9 बजे ग्वालियर से एक रिपोर्ट आई कि मुरैना में 5 पॉजिटिव हैं, जिसमें 2 जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ हैं। वहीं दोनों नर्सों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया जा चुका है, लेकिन आज सुबह 7 मई को जिला अस्पताल में सभी नर्सिंग स्टाफ ने CMHO और सिविल सर्जन पर आरोप लगाए कि दोनों सजातीय हैं और किसी भी स्टाफ को PPE किट व N95 मास्क उपलब्ध नहीं कराया गया। और तो और, हाथों के दस्तानों को भी 2 से 3 दिन तक चलाने के लिए कहा गया है। कुछ इसी तरह के गंभीर आरोप नर्सिंग स्टाफ ने लगाए। वहीं ऐसे में कोई अस्पताल का स्टाफ कोरोना मरीजों की देखभाल कैसे कर अपने आप को बचा सकता है? ऐसे में अब यहां सवाल यह उठता है कि जिला अस्पताल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो फंड आया वह कहां गया, या कोई बड़ा घोटाला किया गया है? वहीं CMHO का कहना है कि सभी के पास PPE किट और N95 मास्क है, अगर उसके बाद भी कोई समस्या हो तो हम समाधान करेंगे। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।